उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में किसानों के साथ हुई घटना के विरोध में अब राजधानी रायपुर में कांग्रेस और किसान नेताओं ने इसका कड़ा विरोध शुरू कर दिया है। साथ ही साथ प्रियंका गांधी के साथ हुए दुर्व्यवहार के प्रति भी आपत्ति जताई है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में हुए हिंसा में 9 लोगों की मौत हो चुकी है। इस घटना के बाद किसानों में भारी आक्रोश है। लगातार किसान नेता इस बात को कह रहे हैं कि अगर इस तरीके से किसानों के साथ देश में होता रहा तो एक समय आएगा कि किसान देश में रह ही नहीं पाएगा। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में किसानों के साथ हुई घटना को लेकर आज राजधानी रायपुर के अम्बेडकर चौक में जो है किसान विरोध प्रदर्शन जता रहे हैं, मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो है सैकड़ों की संख्या में यहाँ जो है किसान आज मोदी सरकार का विरोध कर रहे हैं। उनसे सीधे उन्हीं से बातचीत करने की कोशिश करेंगे, आज विरोध प्रदर्शन जाहिर कर रहे हैं आप लोग। देखिए, जो लखीमपुर में दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है उससे साफ स्पष्ट पता लगता है कि भाजपा की सरकार किसी भी तरीके से किसान आंदोलन को कुचलना चाहती है। वहाँ केंद्रीय मंत्री उनके पुत्र द्वारा किसानों को कुचल के मार डाला गया, उसके बाद गोली में 4 किसानों की मृत्यु हुई है। हम इस घटना की घोर निंदा करते हैं और ये हत्या का आरोप योगी सरकार पर होना चाहिए। योगी द्वारा ही किसानों की हत्या करवाई गई है और उसके बाद जो प्रियंका गांधी जी के साथ दुर्व्यवहार पुलिस द्वारा किया गया है उनको उन परिवारों के आंसू पोंछने से रोका गया है और हम उसका विरोध करते हैं और ये मांग करते हैं कि योगी सरकार को तत्काल बर्खास्त कर देना चाहिए। प्रदेश के मुखिया भी जा रहे थे वहाँ पर, उनको जो आने की अनुमति नहीं थी, दिल्ली से अब जो है रोड लाइन के जरिए जाएंगे, उसको आप किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, एक अघोषित आपातकाल पूरे देश में लगा हुआ है। एक साल से किसान आंदोलन कर रहे हैं, उसके पहले CA का आंदोलन हुआ, लगातार पूरा देश आंदोलनरत है। किसी प्रकार से आज देश की आवाज़ को, लोकतंत्र की आवाज़ को योगी सरकार और मोदी सरकार रोकना चाहती है। माननीय मुख्यमंत्री जी वहाँ जाना चाहते थे, किसानों से उनके दुख को बांटना चाहते थे, उनको रोका गया है और सभी विपक्षी दलों के नेताओं को वहाँ रोका जा रहा है। एक अघोषित आपातकाल UP में लगा दिया गया है जिसका परिणाम UP के चुनाव में भी देखने को हमको मिलेगा। जो लोग अन्नदाताओं के साथ दुर्व्यवहार करते हैं ईश्वर उन्हें कभी माफ़ नहीं करता और हम लोग आज यहाँ शांतिपूर्वक ढंग से हमारे कांग्रेस पार्टी के साथी और हमारे किसान मोर्चा के साथी हम लोग यहाँ प्रतीकात्मक रूप से विरोध में यहाँ बैठे हैं। आगे भी हम इस घटना का विरोध करते रहेंगे। लगातार किसान प्रदर्शन करने कब तक जारी रहेगा इनका प्रदर्शन? देखिए, ये 11 महीने से मोदी सरकार ने एक शांतिपूर्वक ढंग से जो किसान जो दिल्ली बॉर्डर पर बैठे हैं उसी के तहत आज लखीमपुर खीरी में भी शांतिपूर्वक ढंग से किसान बैठे थे। इस आंदोलन को लगातार कुचलने का प्रयास किया जा रहा है, चाहे वो दिल्ली के बॉर्डर पे हो या आज लखीमपुर खीरी पर हो। आज गृह मंत्री के पुत्र और गृह मंत्री के द्वारा कुचल कर किसानों को मारना, गोली चलाना, ये मतलब किसान के लिए कितनी बड़ी आहत है। सोचिए, संघर्ष कर रहे हैं आज 11 महीने से, आज उसको कुचलने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसे निंदनीय अपराध जो योगी सरकार ने जो किया उसको कभी माफ नहीं किया जा सकता। इसका परिणाम निश्चित रूप से आने वाला जो यूपी का चुनाव है जिसमें हमारे किसान नेता भी हैं, हमारे राष्ट्रीय प्रियंका गांधी जी भी पहुंची है और हमारे मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के भी पहुंचे हैं, उसको भी रोकने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसे में हम इसका विरोध करते हैं और योगी सरकार और मोदी सरकार को बर्खास्त होना चाहिए। निश्चित तौर पे यहाँ पे किसान भी जो है लखीमपुर में हुई घटना को लेकर यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं और आगे भी बोल रहे हैं कि जब तक किसानों के साथ न्याय नहीं होगा तब तक इनका जो है प्रदर्शन जारी रहेगा। TCP 24 न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन अरुण जंगेल के साथ नितिन नामदेव रायपुर।